महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मद भागवत कथा श्री राम कथा भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले न तरु बाजे भली बादि बिहानी राम विमुखे सुतते हित जानी। तो केके जी ने सुमित्रा जी ने क्या जजमेंट दिया? सुमित्रा जी कह रही है कि दुनिया में सबसे महान नारी वो है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जास सुत हुई। और जो ही इतनी बात कही त्यों ही गोस्वामी जी जोर से चिल्लाए कि यदि संसार में किसी श्रेष्ठ नारी की पहचान का मापदंड यही है कि जिसका बेटा राम का भक्त हो वो ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ माता है, तो फिर मुझे बताओ कि भरत सरस को राम सने भरत सरस को राम सने जग जग को राम राम जप जे जग जग को राम राम जप जे भरत सरस भरत सरस को राम सने जग जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जे भरत सरस को राम सने। भरत के सदृश राम का स्नेही कौन है? यदि संसार में श्रेष्ठ माँ की परखने की यही कसौटी कि जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत के समान कोई भी राम का भक्त नहीं है। और भरत जैसे बेटे को पैदा करने वाली केकई से महान दुनिया में कोई भी नारी नहीं है। अपने आप इसका अर्थ प्रतिध्वनित करके निकल आता है कि यदि यही मापदंड है कि भरत सर से जो पुत्र राम भक्त को पुत्र को जन्म दे, तो भरत सरस को राम सने। अब महाराज इतना ही नहीं, थोड़ा सा और भी लोगों का आप सुझाव देख लीजिए। भरद्वाज जी के पास गए, भरद्वाज जी से पूछा कि महाराज आप बताइए आपकी दृष्टि में केकई कैसी नारी है? तो जब तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतराज भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के पास आए और उनके सामने बैठे रो रहे थे, उस समय भरद्वाज जी उठ करके उनके पास आए, आंसुओं को पहुंचा और कहा कि शायद आपके रोने का कारण यह है कि आप सोचते हैं आपकी मां के कारण राम का वनवास मिला। तो उन्होंने कहा कि भरत मैं साफ साफ बता दूं, तुम्हारी मां का इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं है। तातु के कई दोष नहीं गई गिरा मति धो, इसमें केकई का कोई दोष नहीं है। गिरावानी सरस्वती मति बदल करके चली गई। अब ये तो लोगों की आदत होती है कि संसार में किसी के ऊपर दुख है, क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी, विधाता ने ये कर दिया, लोग कह जाते हैं। बाद में ये बात कहने के बाद में भरद्वाज जी सोचने लगी कि मैंने एक लोक पद्धति के अनुसार सांत्वना देने के लिए कह दिया कि ईश्वर की मर्जी से ये सब सरस्वती ने ये कर दिया, तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं। बाद में भरद्वाज जी ने एकांत में सोचा क्या सरस्वती इतनी स्वतंत्र है कि जो मन में आए वो कर जाए, क्या इतनी स्वतंत्रता उनको है? तब उनको लगा कि केकई के पीछे भी कोई है, केकई ने अपने मन से काम नहीं किया है। और केकई ने इस बात को एक जगह स्पष्ट कर दिया, जब भरत राम से मिलने जा रहे थे इंद्र घबरा उठे कि राम जी भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और भक्त चाहे तो उनकी दिशा को बदल सकता है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं।
इसलिए अगर भरत जिस भाव से जा रहे हैं गए और इन्होंने एक बार कह दिया तो राम लौट जाएंगे। तो कैसे कुछ किया जाए कि भरत को जाने ना दिया जाए, तो सरस्वती जी शिव को बुलाया बड़ी मीटिंग में, कहा आप मति फेर दो। सरस्वती जी ने इतना फटकारा, बोले ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सकहु पराई विभूति, बैठे हो ऊंचे इंद्रासन पर और इतने नीच कर्तव्य तुम देख नहीं सकते। अरे बोले मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी, आपने आखिर भरत की मां केकई की भी तो मंत्रा की भी तो बुद्धि बदली थी ना। तो सरस्वती जी ने स्पष्ट यहां पर कर दिया कि वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया था। बोले तो किसकी इच्छा से किया था, बोले तब के छुकीन है राम रूख जान, तब के छुकी चाले करे हो चाले करे हो। वो जो कुछ मैंने किया था वो राम जी का इच्छा थी, राम जी की इच्छा से मैंने किया था, और अगर राम से मिलते हुए भरत को मैंने रोका तो बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया कि महाराज गलती कर मत बैठना, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुधरई, शुद्ध कर अम्बरीश दुर्वासा भेषभ सुरपति निपट निराशा। सरस्वती जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं थी, वो राम जी की आज्ञा से। राम जी की सरस्वती जी क्या है, राम जी की कठपुतली है। कठपुतली को आप देखते हो नैपथ्य में, आप नाटक देखते हो, कठपुतली लड़ती है भिड़ती है मरती है गाती है नाचती है सब कुछ करती है, लेकिन आपको कठपुतली तो सामने दिखलाई पड़ती है लेकिन वो पीछे काले रंग का पर्दा होता है, और उसी रंग के जिस रंग का पर्दा होता है उसी रंग के धागे होते हैं बड़े पतले पतले, और वो धागे उनके सिर पर हाथों में पांव में बंधे रहते हैं, और उनके ऊपर में एक बैठा हुआ होता है उसके हाथ में। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावते राम गोसाई, बात कहेगी, लेकिन आपने तो कह दिया सरस्वती जी कठपुतली है, ऐसी बात कहनी चाहिए क्या, सारी दुनिया को बुद्धि देती। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शरद दारू नारी सम स्वामी, शरद दारू राम सूत्र धरे अंतर जान, शरद दारू नारी सम स्वामी, शरद दारू स्वामी राम सूत धर अंतर जान, राम सूत धर अंतर जान। शरद दारू नारी सम स्वामी, शरद मानी सरस्वती जी, दारू मानी क्या, वो दारू मत समझ लेना जो आजकल चलती है, संस्कृत साहित्य में हिंदी साहित्य में दारू मानी लकड़ी। शारद दारू नारी मानी लकड़ी की नारी, शरद मानी सरस्वती लकड़ी की नारी की तरह है, कठपुतली की तरह, मतलब एक शब्द में कहें तो कठपुतली।
और वो खुद कुछ नहीं करती, राम सूत्रधर अंतर्जामी, उसके जो धागे है ना वो राम सूत्र मनी धागा, उसके सूत्र राम के हाथ में, राम जैसा चाहते हैं तब। राम भगति हेते भवन बिहारी, राम भगति हेते भवन बिहारी, सुमिरत सारते आवते सार, सुमिरत सारते आवते सार। राम काम के लिए सरस्वती जी सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरितमानस में दो सरस्वती हैं, ये भी ध्यान रखना, दो सरस्वती हैं।